गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर 14 एंड टुडेज आवर टॉपिक इज मॉस्किटोज एंड मलेरिया. दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो ओपन पेज नंबर 102 ऑफ योर EVS बुक एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग. मॉस्किटोज एंड मलेरिया. मॉस्किटोज क्या होते हैं? मच्छर. ठीक है, हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं. अब पानी के गंदा होने की वजह से किस तरीके से बीमारियां फैलती हैं ये हम आज पढ़ेंगे. मॉस्किटोज डू नॉट लिव इन वाटर. जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो पानी के अंदर नहीं रहते हैं, बट दे ले एग्स इन स्टेग्नेंट वाटर. फॉर एग्जाम्पल, इन पॉन्ड्स वाटर कलेक्टेड इन टायर्स, बकेट्स, अनकवर्ड टैंक्स, ड्रेन्स एंड वाटर कूलर एक्सेट्रा. जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो पानी के अंदर रहते तो नहीं हैं, लेकिन वो जो पानी होता है, गंदा पानी होता है ना, स्टेग्नेंट वाटर जो होता है, उसमें अपने अंडे देते हैं. ठीक है, दे ले एग्स. अपना अंडा, जो अंडे देते हैं वो किस में देते हैं? वो लोग गंदे पानी के अंदर देते हैं. अब ये गंदा पानी कौन सा होता है? जैसे तालाबों के आसपास पानी जो इकट्ठा हो जाता है, आपके घर में जो आप कूलर यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना, गर्मियों में, तो आप देखते हो गर्मियों में कूलर का, जब आप कूलर को अनकवर करेंगे तो आप देखेंगे खूब सारे मच्छर एक साथ उसमें आपको दिखाई देते हैं. तो जो गंदा पानी होता है, जो पानी बहुत टाइम से इकट्ठा हो जाता है, वहां पर जो मॉस्किटोज होते हैं वो अपने एग्स को ले करते हैं. When a mosquito lay an eggs, the eggs change into larva that floats in water. जब mosquitoes जो stagnant water होता है, गंदा पानी होता है, उसमें जब अंडे देते हैं तो थोड़े time बाद में क्या होता है, वो जो eggs होते हैं वो किस में change हो जाते हैं? Larva में change हो जाते हैं. ठीक है, ये mosquitoes की life cycle है कि किस तरीके से मच्छर पानी में अपने अंडे देते हैं और किस तरीके से उससे और नए मच्छर बनते हैं और वो बीमारियों को फैलाते हैं. तो वो जो अंडे देते हैं वो किस में थोड़े टाइम बाद में किस में चेंज हो जाते हैं? लार्वा में चेंज हो जाते हैं. विद इन अ फ्यू डेज द लार्वा चेंजेस इनटू अ प्यूपा एंड फाइनली टर्न्स इनटू अ न्यू मॉस्किटो. जो मॉस्किटो साइकिल होती है, वो लाइफ साइकिल होता है, वो बहुत थोड़ा स्पीडली जल्दी चलता है. कुछ ही दिनों के अंदर जो लार्वा होता है वो प्यूपा में चेंज हो जाता है एंड प्यूपा एक न्यू मॉस्किटो में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये था मॉस्किटो की लाइफ साइकिल, कि गंदे पानी के अंदर जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो लेग्स, जो एग्स होते हैं वो ले करती है, और उसके बाद में वो उस लार्वा में चेंज होता है एंड लार्वा के बाद में वो प्यूपा में चेंज होकर एक न्यू मॉस्किटो बन जाता है, एक अडल्ट जो मॉस्किटो होता है वो बन जाता है. फीमेल मॉस्किटोज नीड टू शक वार्म एनिमल्स और ह्यूमन ब्लड फॉर देयर एग्स टू डेवलप प्रॉपरली. जो फीमेल मॉस्किटो होता है वो क्या खाते हैं, उनका क्या, जो उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, वो क्या तो जो वार्म एनिमल्स होते हैं उनको शक करते हैं, या फिर जो ह्यूमन बॉडी होती है उससे ब्लड चूसते हैं. आप कई बार देखते हो आपकी बॉडी पर मच्छर बैठा रहता है, आप जल्दी से उसे हटाते हो तो उस पोर्शन पर थोड़ा रेड रेड हो जाता है. वो क्यों होता है? क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं वो हमारी बॉडी पर हमारे ब्लड को शक करने का काम करते हैं, हमारे खून को चूसने का काम करते हैं वो. तो अपने एग्स को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए उन्हें ये सब चीज़ें जो वार्म एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है उनको शक करने का काम करते हैं. मॉस्किटोज कैरी द जर्म्स ऑफ डेंजरस डिजीज सच एज डेंगू एंड मलेरिया. जो मॉस्किटोज होते हैं उनके जो जर्म्स होते हैं उनकी वजह से बहुत भयानक बीमारियां होती है, जैसे डेंगू और मलेरिया. आप सभी ने डेंगू और मलेरिया का नाम सुना है. तो ये जो डेंगू और मलेरिया होते हैं ये किनकी वजह से होते हैं? मॉस्किटोज की वजह से होते हैं. जो मच्छर होता है डेंगू का और मलेरिया का, उसके काटने की वजह से डेंगू और मलेरिया की बीमारियां फैलती हैं. इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम कैन इवन किल पीपल. अगर इन बीमारियों का सही टाइम पर इलाज नहीं किया जाता है तो इससे लोगों की मौत भी हो जाती है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ डेंगू एंड मलेरिया बाई फॉलोइंग सम इजी स्टेप्स. सो डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए कुछ इजी स्टेप्स होते हैं, लाइक डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टेग्नेंट. पानी को गंदा होने से बचाओ. कहीं भी अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उस पानी को वहाँ पर इकट्ठा, क्योंकि अगर बहुत दिनों तक कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उसमें मच्छर लगने लग जाते हैं. तो पानी को स्टेग्नेंट, इकट्ठा होने से बचाओ कि कहीं पर पानी गंदे तरीके से इकट्ठा नहीं हो. क्लीन वाटर कूलर्स, आपके घर पर जो आप कूलर यूज़ में ले रहे हो उनको आपको टाइमली उसका पानी चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक पानी इकट्ठा रहता है तो उसमें भी मॉस्किटोज इकट्ठे हो जाते हैं. टैंक्स रेगुलरली वाटर कैन कलेक्ट इन ब्रोकन वेसल्स एंड मॉस्किटोज कैन ब्रीड इन देम. सो ब्रोकन वेसल्स एंड बकेट्स शुड बी
disposed of properly. Nearby ponds and lakes should be cleaned by the government authorities regularly. आप अपने घर के पानी का किस तरीके से ध्यान रखते हो, जो ओपन टैंक वगैरह होते हैं, जो आपके घर पे आप टैंक यूज़ में लेते हो, वाटर टैंक, उनको खुला मत रखो, ठीक है, उनको भी रेगुलर आप क्लीन करते रहो, जिससे उसमें जो पानी है उस पर मच्छर नहीं लगे. और जो नियर बाई आपके आसपास जो वाटर बॉडीज़ होती है, लाइक पॉन्ड्स है, वेल्स है, कुएँ, तालाब, ये सब होते हैं, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो उनको टाइम टू टाइम क्लीन करवाती रहे, जिससे वहाँ पर भी मच्छर इकट्ठे नहीं हो. क्योंकि अगर पानी एक जगह इकट्ठा होगा, वो गंदा होगा, और बहुत दिनों तक उस पानी के वहाँ इकट्ठे होने की वजह से उस पर मच्छर लग जाएंगे, और जो मॉस्किटो लाइफ साइकिल होता है वो कंटिन्यूसली गंदे पानी में होते रहने की वजह से ज़्यादा मच्छर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां फैलेगी. सो ये चैप्टर था वाटर से रिलेटेड. आपको किस तरीके से पानी को बचाना चाहिए, किस तरीके से पानी को गंदा होने से, उसको पॉल्यूट होने से, आप वाटर पॉल्यूशन को किस तरीके से रोक सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा बीमारियां फैलेगी और लोग बीमार होते जाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. So thank you so much.